जनता अगर वोट करती है तो सिर्फ उन मुद्दों को देखते हुए वोट करती है जिन मुद्दों पर सरकार ने गंभीरता से काम किया है, जिन मुद्दों को सरकार ने सिर्फ कागजी तौर पर ही नहीं बल्कि धरातल पर भी उतारा है। लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, सत्ता की कुर्सी पर कोई भी क्यों ना बैठा हो, चुनाव होने से पहले कोई ना कोई मुद्दे हमेशा अधूरे रह ही जाते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं होता और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कभी उठे ही नहीं होते हैं। मतदान होने से पहले हम आपको उन 5 मुद्दों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं रहा, वो 5 मुद्दे जिन पर दाव खेला गया। सबसे पहले उन 5 मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर दाव खेला गया। भाजपा जहाँ कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाती रही तो कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस करते हुए भाजपा को निशाना बनाया। भाजपा ने जहां राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल के मामले में वैट कम करने की मांग की तो वही कांग्रेस ने भी केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स को कम करने की मांग की। भाजपा ने जहां राजस्थान में कांग्रेस को पेपर लीक के मुद्दे पर घेरा तो वही कांग्रेस ने भी ईडी को केंद्र सरकार का सीधा हाथ बताया। भाजपा ने जहां राजस्थान में बढ़ रहे अपराधों पर कांग्रेस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के राज में हो रहे अपराधों को गिनाने में कोई कमी नहीं रखी। अब बात करते हैं उन 5 मुद्दों की जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं रहा। राहुल गांधी ने जहां वर्ल्ड कप हारने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया, जहां उन्होंने कहा पनौती मतलब पीएम मोदी जिनकी वजह से हम मैच हार गए, लेकिन ये आरोप लगाने के बाद भी राहुल गांधी चुप नहीं बैठे। उन्होंने मोदी, अडानी और अमित शाह को जेब कतरा बताया। तीसरा मुद्दा, जब जोधपुर में तलवारें चली थी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर यूपी होता तो मेरा बुलडोजर चलता और इन तलवारों को रौंद देता। चौथा मुद्दा, राजस्थान में एक समय था जब लाल डायरी के मुद्दे ने कांग्रेस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था और इसी लाल डायरी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को जबरदस्त घेरा था और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है और कुछ नहीं। आखिरी मुद्दा, जब अमित शाह ने कहा था कि गहलोत को लाल कपड़े से खौफ है, जब भी लाल कपड़े की बात आती है तो गहलोत सांड की तरह भड़क उठते हैं। तो ये कुछ 5 मुद्दे थे जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगाए गए बयान है जिन्हें मुद्दों का नाम दे दिया गया। चुनाव होने से पहले पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय पार्टियों ने बयानों पर ध्यान दिया और उन बयानों ने पार्टियों को इतना उलझा दिया कि पार्टी अपने असली मुद्दों से भटक गई। लेकिन इस बार आने वाली सरकार से उम्मीद करते हैं कि पार्टी अब बयानबाजी की तरफ ध्यान ना देकर सिर्फ मुद्दों पर ध्यान दे, जनता की समस्याओं पर ध्यान दे, जिससे जनता को आगे सरकार चुनने के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द नगरी न्यूज़। नमस्कार।